खामगाव येथे तीन तलाक विरोधात मुस्लिम महिलांनी एल्गार पुकारला आहे. ट्रिपल तलाक हा मुस्लिम समाजातील मोठा प्रश्न नाही, मात्र राज्यकर्ते त्याला मोठा प्रश्न मानून देशाला वेगळ्या मुद्द्यांमध्ये गुंतवून मुस्लिम समाजात फूट पाडत आहे. भारतीय घटनेने आम्हाला ते स्वातंत्र्य दिलेले आहे आणि हा कायदा शरियत विरोधात असल्यामुळे केंद्र शासनाने तीन तलाक कायदा हा त्वरित मागे घ्या. या मागणीसाठी बुलढाणा जिल्ह्यातील खामगावात शरियत संरक्षण समितीच्या वतीने मुस्लिम महिलांचा उपविभागीय अधिकारी कार्यालयावर ऐतिहासिक मोर्चा काढण्यात आला. यात किमान 5000 वर महिलांचा स्वयंस्फूर्तीने सहभाग होता. केंद्र सरकारने जी ट्रिपल तलाक संदर्भात बिल तयार केले आहे ती पूर्णपणे शरियतच्या विरोधात आहे आणि मुस्लिम महिलांचे संसार उद्ध्वस्त करणारे आहे. मुस्लिम समाजाच्या प्रतिनिधींशी चर्चा न करताच हे विधेयक लोकसभेत मांडले गेले आहे, त्यामुळे ट्रिपल तलाक रद्द करावा आणि शरियत मध्ये हस्तक्षेप करू नये अशी मागणी करीत संपूर्ण देशभरात मुस्लिम महिला रस्त्यावर येत आहे. यामध्ये बुधवारी खामगावातही 5000 महिलांनी रस्त्यावर येऊन मूक मोर्चा काढला. यावेळी उपविभागीय अधिकारी यांना महिलांच्या शिष्टमंडळाने निवेदन सादर केले. खामगाव की यहाँ एलडीओ ऑफिस में पहुंची है. हमारा सिर्फ मकसद यही है कि जो बिल राज्यसभा लोकसभा में पास किया गया है और अभी सुप्रीम कोर्ट के हवाले किया गया है, उस बिल को पास न किया जाए, क्योंकि ये बिल सरासर हमारी शरीयत के खिलाफ है और हम इसमें जो है तो कुछ भी दखल अंदाजी करने की किसी को भी इजाजत नहीं देते. हिंदुस्तान का सेक्युलर कानून, हिंदुस्तान के दस्तूर के मुताबिक हर मजहब वाले को ये आज़ादी है कि वो अपने मजहब के मुताबिक अमल करे, तो क्यों फिर जब मुस्लिम दानिशवरान मौजूद हैं, मुस्लिम उलमा मौजूद हैं, मुसलमानों का एक बोर्ड मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मौजूद है, इसके बावजूद बगैर किसी से मशवरा किए हुए ये बिल कैसे लोकसभा में पास किया गया है, इसका हम जो है तो विरोध करते हैं. और ये बिल जो है तो हमारे खिलाफ है, शरीयत के खिलाफ है. हम अपनी शरीयत से बिल्कुल मुतमईन हैं. हमारी शरीयत ये जो बिल है तो ये एंटी वुमेंस बिल है, एंटी चिल्ड्रंस बिल है और हम अपनी शरीयत से बिल्कुल खुश हैं. ये जो है कि किसी भी तरीके से मुस्लिम नौजवानों को या मुसलमान मर्दों को जेलों में भर दिया जाए, पहले ही कुछ कम जो है तो मुसलमान जेलों में नहीं है, बहुत ज़्यादा लोग जो है तो आज भी जेलों में हैं, और फिर इस तरीके से मुसलमान ख्वातीन को तन्हा करके उनको लुकमेतर बनाना उनका मकसद है. हम जो है तो सब इसके खिलाफ है. हम चाहते हैं कि इस बिल को राज्यसभा में पास न किया जाए. हम सब इसका विरोध करते हैं.